दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में, और मैं आपको दिखाऊंगा आज कि अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी बचाना चाहे तो बहुत ही हिसाब से बचा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वो गाड़ी है जिसके ड्राइवर को नींद आ गई, उसकी वजह से ड्राइवर अपनी साइड जो था वो बचा नहीं पाया। लेकिन जो दूसरा ड्राइवर था जिसमें यह गाड़ी लड़ी है, वो अपनी गाड़ी का केबिन बचा ले गया और ट्राली में ये गाड़ी जो थी लड़ गई, यानी कि घोड़े से इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो पहले देखिए इस गाड़ी की हालत जो है बहुत बुरी है, इसके ड्राइवर को भी बहुत काफ़ी तगड़ी चोट लगी है। और ये हमारे लोकल में ही हुआ है हादसा सुबह 5 बजे के टाइम पे। तो ये गाड़ी जब हटाई गई थी उस समय काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो वो वीडियो तो हम नहीं बना पाए। लेकिन जब ये हटा करके किनारे खड़ी कर दी गई तब हम इसका वीडियो बनाने आए, और इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और दिन भी जो है वो काफ़ी निकल आया। तो मैंने कहा क्लियर हो गया, देखिए वो सामने गाड़ी खड़ी है दूसरी, जो घोड़ा ट्रेलर है वो दूसरा वो सामने खड़ा हुआ है, और उसकी भी हालत अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये गाड़ी देख लीजिए, और ये 12 चक्का गाड़ी है, कंडक्टर साइड सही है, और इसके जो कंडक्टर या ड्राइवर जो थे, कंडक्टर चला रहा था, ड्राइवर साहब लेटे हुए थे, और उन्होंने मना भी किया कि भाई नींद आ रही है, अगर झोंका 2 बार बताने लगा उसको, लेकिन वो गाड़ी जो था ज़बरदस्ती चलाता रहा। और इधर यादव जी की क्रेन और ये हाइड्रा यही खींच करके इसको लेके आए, और वो गाड़ी जो है करीब 100 मीटर आगे खड़ी हुई है दूसरी वाली, तो वो भी अभी मैं आपको चल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए उस गाड़ी के पास भी आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि उसकी क्या हालत है। तो देखिए ये वो ट्राली है, यानी कि ट्रक की ट्राली है, जो ट्रेलर होता है लंबा वाला 18 चक्का। देखिए टायर भी इसका फट गया है, और इसकी टंकी भी फट गई थी, टंकी उखेड़ करके नीचे गिर गई थी, तो वो साइड में रखी, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए सामने टंकी पड़ी हुई है, और पूरा डीजल इसका निकल गया, सब डीजल ही डीजल फैला पड़ा है। और देखिए केबिन जो है पूरा साबुत है, यानी ड्राइवर साहब जो थे अपनी साइड बचा ले गए, तो पीछे की ट्राली जो थी उस गाड़ी में टकरा गई, जिससे उस गाड़ी में नुकसान ज़्यादा हुआ है। और ये यहाँ पे लड़ी थी गाड़ी, देखिए यहाँ पे ये बजरी पड़ी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर बजरी लोड है। और दोस्तों आज ही सुबह ये हादसा हो गया, क्योंकि 2 दिन से रोड बंद था, क्योंकि कावर चल रही है, उसके चक्कर में काफ़ी दिनों से रोड बंद था, अभी कल ही ये रोड खोला गया है, और आज सुबह ये हादसा हो गया। देखिए दूसरी गाड़ी वो दिखाई दे रही है सामने खड़ी हुई है, और ये ट्रेलर यहाँ पर है, और इसकी टंकी फटने से पूरा डीजल जो है वो निकल गया है और काफ़ी दूर तक बहता हुआ गया है, कुछ पानी भी इसमें से रिस रहा है, क्योंकि बजरी भरी है, और बजरी रेता जब आप ताज़ी भर के लेके आते हैं तो पानी काफ़ी देर तक जो है चूता रहता है। तो देखिए पानी और डीजल मिक्स है यहाँ पर, बाकी यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, देखिए सूखी रोड है, लेकिन ये डीजल और पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये हादसा जो है काफ़ी भयंकर भी हो सकता था, ड्राइवर इसके अंदर फंस गया था, तो उसे तो यादव जी ने निकाल दिया था, क्योंकि हम उस समय पहुँच नहीं पाए थे और अंधेरा भी हो रहा था। तो एक सिंगल रोड है यहाँ पे, मैं अपनी बाइक भी नहीं खड़ा कर सकता था सामने, जो मैं आपको रोशनी में दिखा देता, तो वीडियो बनाना मतलब संभव नहीं था। तो जब ये गाड़ियाँ हट गई हैं और रोशनी भी हो गई है, तब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया था। और देखिए बिल्कुल किनारी पे गाड़ी खड़ी हुई, अगर थोड़ी सी नीचे उतर जाती तो पलटने का भी डर था, क्योंकि रोड काफ़ी ऊँचा है और जो किनारी है वो काफ़ी नीची है, मैं पहले भी आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा चुका हूँ। और देखिए दूसरी गाड़ी वो सामने दिखाई दे रही है, और सांप यादव जी की क्रेन भी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।